वो है कृष्ण जन्माष्टमी। हर साल जन्माष्टमी के दिन बाल गोपाल की पूजा होती है। घर के मंदिर को मथुरा वृंदावन की तरह सजाया जाता है। जोधपुर के भीतरी शहर स्थित कटला बाजार में कुंज बिहारी का मंदिर में भी जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। जन्माष्टमी के पर्व को लेकर पूरे देश में लोगों में काफी उत्साह है। वहीं अगर बात की जाए जोधपुर की, तो जोधपुर में वैसे तो कई श्याम मंदिर हैं, लेकिन भीतरी शहर स्थित कटला बाजार में कुंज बिहारी का मंदिर अपने आप में एक अनोखा मंदिर है। करीब 234 साल पुराने इस मंदिर में भगवान श्याम के सामने उनकी प्रिय भक्त मीरा के जहर पीते हुए प्रतिमा लगी हुई है। इस मंदिर में विदेशी पर्यटक भी आकर भगवान श्याम के दर्शन करते हैं और मंदिर में बनी हुई कलाकृतियों और चित्रों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। पूरे मंदिर में प्राकृतिक रंगों से बने चित्रों में देवकी वासुदेव विवाह, कृष्णा राम प्रसंग, गीता उपदेश, कृष्ण सुदामा सखा भाव, भगवत प्रसंग बखूबी से दीवारों पर उकेरे हुए हैं। राम और कृष्ण दोनों की लीलाओं की झांकी का दिव्य दर्शन कराते हैं। कुंज बिहारी मंदिर का जायजा लिया हमारे जोधपुर संवाददाता अरुण हर्ष ने और पुजारी भक्त और विदेशी भक्तों से भी बातचीत की। शाम के विशाल मूर्ति है ठाकुर जी की, श्रीनाथजी बाबा की, कुंज बिहारी जी के और द्वारकाधीश के। धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है जन्माष्टमी ने। आप लोग सभी लोग पधारे दर्शन करने के लिए। कुंज बिहारी मंदिर के अंदर मान्यता की बात अगर कहें तो भगत से संबंधित ही बात कही सकती कहा जा सकती है। मैंने तो यहाँ नोट किया है कि जो भी भगत अपनी मनोकामना लेके यहाँ पर आता है कुंज बिहारी मंदिर में, और विशेष तौर से 42 दिन तक अगर वो नित्य प्रति एक समय अगर आता है, तो उसकी मन की इच्छा मैंने कईयों की पूरी होती हुई देखी है। और आगे नहीं है तो आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। देत आशीष सकल गोपी जन चिरंजीव कोटि बरीसो आज बधाई को दिन नी। बताया जाता है कि 1847 में जोधपुर के तत्कालीन महाराज विजय सिंह पासवान की पत्नी गुलाब राय ने कुंज बिहारी का मंदिर बनवाया था। वैसे तो ये मंदिर देवस्थान विभाग के अंतर्गत आता है, लेकिन इस मंदिर में हर तीज त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। जन्माष्टमी को ठाकुर जी का विशेष श्रृंगार और अभिषेक होता है और झांकियां भी सजाई जाती हैं। कहा जाता है कि 42 दिन तक अगर नित्य तय समय पर आकर भगवान श्याम का कोई भी इस मंदिर में दर्शन करता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। श्याम के मंदिर में भक्त सुबह से शाम तक आते हैं, दर्शन करते हैं, लेकिन जन्माष्टमी को लेकर जिस तरह का माहौल देखा जा रहा है और मंदिर को सजाया गया है, तो वाकई कह सकते हैं अगर आप जोधपुर आ रहे हैं तो एक बार कुंज बिहारी मंदिर में आकर जरूर दर्शन करें और श्याम के लाभ लें। अरुण हर्ष, NDTV जोधपुर।